एवरीबॉडी, आज मैं आपको एक बहुत यूजफुल टिप बता रही हूँ। आज मेरे घर में हरा धनिया, पालक, स्प्रिंग अनियंस आए हैं। और आजकल जैसे लॉकडाउन है, हम सब्जियां जल्दी से मार्केट से ला नहीं सकते और सब्जियां बहुत जल्दी गर्मी की वजह से खराब भी हो जाती हैं। तो आज मैं आपको ये यूजफुल टिप बता रही हूँ। आप जो भी आपके घर में सब्जी आती है, पहले आप उनको अच्छे से वॉश कर लीजिए, एकदम अच्छे से वॉश करके फिर आप इनको बारीक काट लीजिए, जैसे मैं काट रही हूँ। और फिर इनको काटने के बाद आप इनको छोटे छोटे पोर्शंस के हिसाब से इनको छोटे छोटे पॉलिथिन्स में डाल के इनको आप डीप फ्रीजर कर लीजिए। और जब आप इनको डीप फ्रीजर कर लेंगे तो आप अपनी सब्जियों को सेव कर पाएंगे, वो खराब नहीं होंगी, सड़ेंगी नहीं, और आपको जब चाहिए आप उनको निकाल के आप उनको। देखिए, मेरे चॉप्ड अनियंस का पैकेट रेडी हो गया है। मैंने इसको सारा एक पॉलीपैक में डाल दिया है। अब इस पॉलीपैक को मैं डीप फ्रीजर में रख दूंगी और ये मेरा पैकेट जब मुझे चाहिए होगा तब मैं इसको निकाल के अपनी सब्जी बना लूंगी। इसी तरह से ये ग्रीन कोरिएंडर है। ग्रीन कोरिएंडर अभी देखिए आप कितना फ्रेश है, और इनको भी मैं ऐसे बारीक चॉप कर लूंगी। ये देखिए पालक है, इसको भी मैं ऐसे बारीक चॉप कर लूंगी। और जब मुझे जरूरत पड़ेगी मैं इनको पैकेट निकाल के इनको यूज करके इनकी सब्जी बना लूंगी। इस तरह से आप अपनी सब्जियां सेव कर सकते हैं और इस तरह से उनको आप यूज कर सकते हैं। जब ये फ्रीजर में रखने के बाद आप देखेंगे थोड़ा सा ये हार्ड हो जाते हैं, और आप अपने हाथ से इनको थोड़ा सा निकाल के क्रम्बल करके भी आप अपनी सब्जी के ऊपर डाल सकते हैं। थोड़ा सा इनका कलर चेंज हो जाता है बट उनकी फ्रेशनेस रहती है और इनका अरोमा रहता है। तो आप यूज करिए, ये टिप आप लोगों को शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए, जिससे कि वो उनकी भी प्रॉब्लम। ये मेरा पालक चॉप हो गया है। ये मैंने पालक भी थोड़ा मोटा मोटा काटा है, क्योंकि जब ये इसको डीप फ्रीजर में डालते हैं तो उसके बाद हम जब इसको बाहर निकालते हैं तो आप सिर्फ हाथ से उसको क्रम्बल करिएगा, एकदम बारीक पाउडर की तरह हो जाता है ये। तो आप इनको आराम से यूज कर सकते हैं, इनकी सब्जी बना सकते हैं। आप चाहे तो इसको बारीक कट भी कर सकते हैं। मैं जल्दी में हूँ, बहुत सारा काम है, इसलिए मैंने इनको मोटा मोटा चॉप कर लिया है, बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप आराम से इसको बारीक कर सकते हैं जब आपको यूज करना हो, बस आप हाथ से इसको दबाइए, जैसे मैंने पहले ही बताया है। और देखिए आपका मेरा ये पालक का पैकेट भी रेडी हो गया है। ये मेरा धनिया का पैकेट है और मैंने ऑलरेडी स्प्रिंग अनियंस का पैकेट फ्रिज में रख दिया है। अब इसको मैं डीप फ्रीजर में रखूंगी और इस तरह से मेरी ग्रीन वेजिटेबल प्रिजर्व हो जाएंगी। आप भी प्रिजर्व करिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए।